हमारी सनातन परंपरा में अंधकार को उजाले में बदलने वाली दिवाली का त्योहार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिवाली आती है और अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती है, क्योंकि दिवाली के साथ आते हैं पांच और पर्व। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हम सभी दिवाली की छुट्टियां मनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी त्योहारों की तरह दिवाली अकेले क्यों नहीं आती? इसके साथ हम इतने सारे त्योहार क्यों मनाते हैं? तो अब ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली के साथ क्यों मनाए जाते हैं पांच और पर्व। त्रयोदशी से लेकर लातिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दिवाली और उसके साथ आए पांच त्योहार मनाने का विधान सालों से चला आ रहा है। अंधकार से रोशनी भर देने वाले इस त्योहार की अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। कोई इसे भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानता है, तो कोई से भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाता है। आइए जानते हैं इन मान्यताओं को विस्तार से। हिंदू धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में दिवाली को मनाए जाने के लिए कई तरह की कथाएं और मान्यताएं हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस दिन भगवान श्री राम लंका से विजय होकर अयोध्या वापस लौटे थे, जिनके आने पर अयोध्या वासियों ने स्वागत में घी के दिए जलाए थे। मान्यता ये भी है कि इस दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। साथ ही इस दिन पांडव 12 वर्ष का वनवास काटकर अपनी नगरी वापस लौटे थे, जबकि कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य के राजतिलक के दिन की खुशी में भी मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि दिवाली वाले दिन ही उनके आराध्य गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपने घर अपने जन्मभूमि कपिलवस्तु वापस लौटे थे, और वहाँ के लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और जब से इस दिन दिए जलाकर ये खुशी मनाई जाती है और अपने आराध्य को याद किया जाता है। जैन धर्म के लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? जैन धर्म से जुड़े लोगों का यह मानना है कि उनके 24वें तीर्थकर महावीर जी को इसी दिन बिहार में स्थित पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में ये सभी लोग दिए जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर दिवाली के साथ पांच और त्योहार क्यों आते हैं। जब दिवाली का इंतजार लोगों को पूरे साल रहता है, वो एक नहीं बल्कि पांच पर्वों से जुड़ा त्योहार है, जिसमें पहला धनतेरस पड़ता है। इसमें भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है ताकि लोगों के घर में धन बना रहे। वहीं दूसरा त्योहार पड़ता है छोटी दिवाली। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इसके बाद तीसरे दिन दिवाली मनाई जाती है, जिस दिन के फायदे हमने आपको बता ही दिए। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। फिर चौथे दिन होती है गोवर्धन पूजा, जिसमें गाय के गोबर से भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा बनाकर उन्हें नींद से उठाया जाता है। और आखिरी दिन होती है भाई दूज, जिसमें बहनें अपने भाइयों को गोला देकर और उनका तिलक करके उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये सारे त्योहार एक साथ इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग घटनाएं इस त्योहार के आसपास ही घटी। तो हमने अब आपको बता दिया है कि दिवाली के साथ पांच और पर्व क्यों मनाए जाते हैं। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।